अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये भी आप जो है वो सहरी स्पेशल आप इसको कह सकते हैं। पराठों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन जो है वो ड्रम स्टिक्स बना रही हूँ। बहुत जूसी सी हम बनाएंगे स्टीम स्टाइल में इसको, और ये पराठों के साथ और रायता चटनी के साथ आपको बहुत मज़ा देगी। तो ये आप जो है वो फुल होल चिकन में भी बना सकते हैं, आप इसको ड्रम स्टिक्स में भी बना सकते हैं। मेरे बच्चों को ज़रा ड्रम स्टिक्स ज़्यादा पसंद है, सारे ही बच्चों को होती है, तो आप इसको ड्रम स्टिक्स पे भी खाली बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मैंने ड्रम स्टिक्स ली हैं, ये 5 हैं, जितनी क्वांटिटी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, 8 ले लें, 6 ले लें, 10 ले लें, 12 ले लें, जितने भी आपने क्वांटिटी में बनाने हैं, ठीक है। इनको मैंने धो के अच्छी तरह वॉश कर लिया है, अब मैं इसमें कट लगाऊंगी, ठीक है। इन सारे ड्रम स्टिक्स में मैं इस तरीके से जो है वो 3-3 कट्स लगाऊंगी। 3 कट्स हम इस तरीके से यहाँ पे इसके लगाएंगे फ्रंट साइड पे, और 3 ही कट जो है मैं इसके पीछे की तरफ लगाऊंगी। इस तरीके से 3 कट मैंने आगे लगाए हैं इसके, और 3 कट मैंने इसके इस तरीके से आप सारी ड्रम स्टिक्स में कट लगा लें। मैं सारी ड्रम स्टिक्स में कट लगाती हूँ और फिर आपको ये तो इस सारे ड्रम स्टिक्स पे मैंने इस तरीके से कट लगा लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसका मैरिनेशन बनाएंगे। हमने एक बाउल लेना है, ठीक है, ये मैंने एक बाउल लिया है। इस बाउल के अंदर मैं इसकी मैरिनेशन बनाऊंगी। इसकी मैरिनेशन के लिए जो सबसे पहले चीज़ हम ऐड करेंगे वो मुझे इधर थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा, ठीक है, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी। बहुत ही थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून जो है वो इसमें भर के दही का ऐड करूंगी। योगर्ट ऐड किया है मैंने 3 टेबल स्पून इसके अंदर। अब मैं इसमें स्पाइसेस शामिल करूंगी। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन हम ज़रा थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं और ये लगता भी अच्छा स्पाइसी है, तो इसके अंदर आपने ये 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर डालना है। वन टेबल स्पून आपने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करना है। वन टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करूंगी मैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, रोस्टेड गरम मसाला है ये। वन टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा। हाफ टी स्पून इसमें पेपरिका पाउडर शामिल किया है मैंने कलर के लिए। बिल्कुल पिंच ऑफ फूड कलर शामिल करूंगी मैं इसमें, इससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बहुत थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें सिरका शामिल किया है, ठीक है। इस सारे मैरिनेशन को आपने अच्छे से मिक्स करना है, और ये इसकी मैरिनेशन बनके तैयार हो गई है। बहुत अच्छी ज़बरदस्त मैरिनेशन है ये। इसमें जो आपने ऑयल ऐड किया है बस इतना ही ऑयल आपको यूज़ करना है, इसमें और कोई भी ऑयल नहीं जाएगा, और ये इतने ही 2 स्पून ऑयल के अंदर ये बनके तैयार होंगे। आपने मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और सारी ड्रम स्टिक्स को आपने इसमें शामिल कर देना है और बहुत अच्छे से इस मैरिनेशन में मिक्स कर लेना है। Thank you.
ये देख लीजिए, ये बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है। ठीक है, अब आपने इसको एक घंटे का रेस्ट देना है या जितना टाइम आपके पास हो उतना आप इसको रेस्ट दे सकते हैं। मैं इसको कवर करके तकरीबन 1 आवर के लिए रखूँगी और उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, हमारी चिकन को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। ठीक है, अब मैंने एक पैन लिया है और फ्लेम को ऑन किया है। अब हम अपनी सारी जो मैरिनेटेड हमारी चिकन है, कोई हमने ऑयल नहीं डाला है, पैन में हमने कुछ नहीं डालना। अच्छा, इसको आप दो तरीक़ों से बना सकते हैं। एक, अगर आपके घर में ओवन है तो आप इसको ओवन ट्रे में रख के ओवन में रख दीजिए तो ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, लेकिन हर घर में ओवन नहीं होता, इसलिए मैं सेकंड आपको उसका ऑप्शन बता रही हूँ। आपने एक पैन लेना है, फ्लैट ले लें, कढ़ाई ले लें, जो कुछ भी ले लें, और आपने ये पूरा का पूरा मैरिनेटेड चिकन जो है वो इस पैन में इस तरीके से ऐड कर देना है। हमने इसको ड्राई नहीं करना है, ड्राई फॉर्म में नहीं बनाना, हमने बहुत जूसी और यमी सी जो है वो तैयार करनी है, जो कि हम रोटी पराठे के साथ जो है हमें बहुत अच्छी लगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको रख दिया है। ये देख लीजिए, इस तरीके से मैंने सारी जो है वो इसमें डाल दी है। इनिशियल स्टेज पे मैं थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखूँगी। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा मीडियम फ्लेम किया है और इसके लिड को मैं कवर कर दूँगी। तो ये तकरीबन जो है हमने कितने मिनट्स तक, 10 to 15 मिनट्स तक हमने इस मीडियम से हीट के ऊपर इसको रखना है। 15 मिनट्स तक इसको कवर रखेंगे और उसके बाद 15 मिनट्स के बाद मैं लिड ओपन करूँगी और इसको टर्न करूँगी और मज़ीद 10 मिनट्स हम इसको और देंगे और इसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो हम वेट करते हैं 15 मिनट्स का और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, 10 से 15 मिनट हो गए हैं, इसके लिड को मैं ओपन कर रही हूँ। आप इसके लुक देखें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको बस आपने हल्का सा टर्न कर देना है। ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से स्टीम हो जाए। फ्लेम आप थोड़ा सा स्लो कर दें। और इसको आप जो है वो दोबारा से कवर कर दें। मज़ीद इसको 5 से 7 मिनट हम इसी तरीके से रखेंगे और ये बिल्कुल डन हो जाएगी। 5 से 7 मिनट के बाद मैं आपको इसको इसकी फाइनल लुक चेक कराती हूँ। अच्छा, 5 मिनट हो गए, 5 से 7 मिनट मैं इसका लिड ओपन कर रही हूँ और आप चेक कीजिए, ये बिल्कुल इस टाइम पे बन के तैयार है। इतनी ग्रेवी आपने इसमें छोड़नी है, बहुत मामूली सी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी सी है, ताकि आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा इसको। अगर आप ड्राई करना चाहते हैं तो आप फुल ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी ग्रेवी आप इसमें छोड़ के देखिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। फ्लेम मैं ऑफ़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छे से गल गई है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, बहुत जूसी होगी और ये आपको खाने में जो है वो बहुत सख्त सख्त सी चिकन नहीं लगेगी। इसको मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सी जूसी सी ड्रम स्टिक्स बन के तैयार हो गई हैं। ठीक है, आप इसको रायते के साथ, चटनी के साथ, सैलड के साथ सर्व कीजिए और ये आपको सहरी में बहुत मज़ा देंगी। पराठे से, चपाती से, इवन चपाती से भी ये बहुत अच्छी लगेंगी। इसके साथ ग्रीन रायते के साथ इसको सर्व कीजिए और ये इसको एंजॉय कीजिए। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर फीडबैक दिया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। जो भी सजेशन आप देना चाहें ज़रूर दिया करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर आती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।